फ्रेंड्स, मेरा नाम ओम है और आप देख रहे हैं टेक्निकल ओम। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि सेमीकंडक्टर क्या है और उसका यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है। पहले हम सेमीकंडक्टर के यूजेस देखते कहाँ कहाँ होते। सेमीकंडक्टर के यूज़ किया जाता है, सेमीकंडक्टर के यूज़ ट्रांजिस्टर में किया जाता है, आईसी में किया जाता है और फोटो रजिस्टर में भी किया जाता है और बहुत जगह किया जाता है। सेमीकंडक्टर एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि गुड कंडक्टर भी नहीं है और बैड कंडक्टर भी नहीं है। एग्जांपल के लिए सिलिकॉन। सेमीकंडक्टर के एग्जांपल बहुत सारे सेमीकंडक्टर के बारे में डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप देख सकते कि कितने एग्जांपल्स हैं। सेमीकंडक्टर की रेजिस्टिविटी 10^-5 to 10^-2 ओहम मीटर होती है। सेमीकंडक्टर के दो टाइप्स होते हैं, एक इंट्रेंसिक जो कि प्योर होता है, एग्जांपल के लिए सिलिकॉन, जर्मेनियम एक्सेट्रा, और दूसरा एक्सट्रिंसिक जो कि नॉन प्योर होता है। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को हम बना सकते हैं प्योर सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटीज मिला के। तो इम्प्योरिटीज मिलाने के बाद दो टाइप के सेमीकंडक्टर आते हैं, एक एन टाइप और एक पी टाइप। अब हम जानेंगे कि कैसे इलेक्ट्रॉन सेमीकंडक्टर में फ्लो होते हैं वो जानेंगे। वो कंसेप्ट को हम कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। जब हम एग्जांपल के लिए जबर सेमीकंडक्टर का सैंपल लेते हैं जिसे हम हीट करते हैं, हीट करने के बाद उसमें का एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। आप देख सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो यहाँ पे एक जगह बन जाती है जिसे हम होल कहते हैं। ये हो गया होल हो गया। तो हम इसे हीट करते रहते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स आगे बढ़ते जाता है। अगर हम ये सैंपल को और हीट करेंगे तो उनकी वजह से यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन जो फ्री हुआ था उसकी जगह पे यहाँ का इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो उसकी जगह पे ये इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पहले एक होल था, उस होल में ये इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन एक फ्री हुआ था तो यहाँ पे और एक जगह बन जाती होल, यहाँ पे फिर से एक होल बन जाता है और वो फ्री इलेक्ट्रॉन ऐसे करते करते आगे बढ़ता रहता है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाने के लिए जो इम्प्योरिटीज हम मिस करते हैं उनका एक रेशो है, कुछ जगहों पे वो 1:6 है और कुछ जगहों पे 1:8। तो हम अभी देखते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बनाया जाता है। एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए आपको उसमें पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी एटम मिक्स करना पड़ता है, जिसके लास्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि ये 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर सकता है, एग्जाम्पल के लिए एंटीमनी, नाइट्रोजन एक्सेट्रा। तो आप इस डायग्राम में देख सकते होंगे कि सिलिकॉन और फॉस्फोरस की बॉन्डिंग की गई है। फॉस्फोरस के लास्ट ऑर्बिट में है 5 इलेक्ट्रॉन्स, जिसकी ज़रूरत है 3 इलेक्ट्रॉन्स को, और सिलिकॉन के लास्ट ऑर्बिट में है 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो उसे ज़रूरत है 4 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से वो बॉन्डिंग होती है। तो फॉस्फोरस का एक इलेक्ट्रॉन बाहर ही रह जाता है, जो वो फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाता है। सिलिकॉन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है और फॉस्फोरस का भी, तो फिर वो इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाता है। इस डायग्राम में आपको अच्छे से दिखाई दे रहा हूँ कि अब हम देखते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर कैसा बनाया जाता है। पी टाइप सेमीकंडक्टर को बनाने के लिए आपको टेट्रावेलेंट इम्प्योरिटी एटम मिक्स करना पड़ेगा, यानी कि जिसके लास्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एग्जाम्पल के लिए बोरॉन, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि सिलिकॉन और बोरॉन की कोवेलेंट बॉन्डिंग हुई है। सिलिकॉन को लगते हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स और बोरॉन के पास है 3 इलेक्ट्रॉन्स, जिसकी वजह से यहाँ पे एक जगह रह जाती है जिसे हम होल कहते हैं। होल्स को हम और एक नाम से जानते हैं जिसे हम कहते हैं चार्ज कैरियर। तो यहाँ पे और एक फ्री इलेक्ट्रॉन
अब हम जानेंगे एक कंसेप्ट जो कि बहुत जगह पे आता है, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड। वो क्या है हम जानेंगे अभी। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड को हम मेजर करते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हम उसे मेजर करते हैं। आप समझ ही गएंगे कि एक रेंज है, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड एक रेंज है। वैलेंस बैंड क्या है हम पहले देखते हैं। वैलेंस बैंड एक रेंज है जो कि डिफाइन करती है इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी, सेम ऑर्बिटल्स की एनर्जी डिफाइन करती है। एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूँ, मैंने एक सैंपल को माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जूम किया तो यहाँ पे सिर्फ एग्जांपल के लिए दो एटम्स दिखे हैं। एग्जांपल के लिए हमने यहाँ पे दो एटम्स लिए, इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जितनी होती होता है जब ये एटम्स अकेले हो बहुत दूर दूर हो तभी होता है। यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे अदर्स एटम भी हैं, दूसरे एटम्स के न्यूक्लियस दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से इसकी एनर्जी अलग हो जाती है। ऐसे अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी अलग अलग होती है। तो हम इसे ग्राफ पर प्लॉट करते हैं। अब हम वैलेंस बैंड को ग्रीन बॉक्स से डिनोट करेंगे किस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी यहाँ पे आती है और कुछ इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी अलग अलग जगह पे आती है। तो ये 0 to -1 की रेंज को हम वैलेंस बैंड कहेंगे। इस वैलेंस बैंड को हम डिनोट करते हैं ग्रीन बैंड से। अब जानते हैं कंडक्शन बैंड क्या है। कंडक्शन बैंड एक रेंज है जो कि डिफाइन करती है फ्री इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी को। फिर हम एक एग्जांपल लेते हैं जहाँ पे मैंने एक सैंपल को माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जूम किया है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इनकी भी एनर्जी अलग अलग होती है क्योंकि इस एटम का न्यूक्लियस इसे अट्रैक्ट कर रहा है, इस एटम का न्यूक्लियस इसे अट्रैक्ट कर रहा है। अलग अलग एटम के न्यूक्लियस अलग अलग फ्री इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के ज़्यादा पास होगा उस पर ज़्यादा इन्फ्लुएंस होगा उस न्यूक्लियस का, जिसकी वजह से अलग अलग एनर्जी लेवल्स क्रिएट होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स की। अब हम इसे प्लॉट करेंगे ग्राफ में। जो भी इलेक्ट्रॉन्स हम इस ग्राफ में प्लॉट करेंगे जिसकी वजह से जो बैंड बनेंगे हम उसे डिनोट करेंगे रेड बॉक्स से। तो इस एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लेवल ये है और अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी अलग अलग आती है, जिसमें अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी अलग अलग होने की वजह से यहाँ पे एक बैंड क्रिएट होता है 2 और 1 के बीच में। तो हम कंडक्शन बैंड कहेंगे। हम इसे डिनोट करते हैं रेड बॉक्स से। जो डिफरेंस है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड का, हम उसे कहते हैं फोरबिडियन एनर्जी गैप। इस एनर्जी गैप से हम पता लगा सकते हैं कौन सा सेमीकंडक्टर है, कौन सा कंडक्टर है, कौन सा इंसुलेटर है। अब हम यही देखते हैं, वैलेंस बैंड को हम ग्रीन बॉक्स से डिनोट करेंगे और कंडक्शन बैंड को रेड बॉक्स से और फोरबिडियन एनर्जी गैप को 2 साइड एरो से। इंसुलेटर में जो गैप है वो बहुत ज़्यादा होता है जिसकी वजह से वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड में जाने के लिए बहुत एनर्जी लगती है। इसलिए ये आसान नहीं है कि वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में वो इलेक्ट्रॉन चला जाए, इसलिए ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। सेमीकंडक्टर, इनके बीच में जो गैप है वो कम है जिसकी वजह से वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में इजीली जा सकता है। इसे इतनी एनर्जी नहीं लगेगी जितनी के इंसुलेटर के वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन को लगेगी। और कंडक्टर में तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड जुड़े हुए होते हैं। आप ये जो येलो लाइन देख रहे हैं ये डिनोट कर रही है कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड जुड़े हुए हैं। अभी ये वीडियो हम ख़त्म करते हैं। मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।